सरकार बोलता है कि दारू बंद है, कौन बोलता है भोसरी वाला दारू बंद है। कानून तो बहुत कार्रवाई किया है, बताइए कितना दारू कितना परसेंट बिहार में बंद है। कोई भोसरी वाला बोलता है कि हर जगह बॉर्डर पर कड़ाई कर दिया है, किस जगह कड़ाई किया है? अगर कड़ाई किया होता तो आज के डेट में मौत होता, 6 मौत इतना इतना बहुत बिहार में मौत होता है। कौन क्या खिला दिया था बताइए। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगभग आधे दर्जन लोगों की मौत से सदमे में डूब गया पूरा इलाका। पुपरी न्यूज के लिए टीपू टार्जन की रिपोर्ट। 5 लोगों की मौत, एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा फैल गया है। जहां एक ओर लोग दीपावली के बाद छठ पर्व की खुशियां मनाने की तैयारी में थे कि अचानक एक के बाद एक करके 5 लोगों की हुई मौत ने लोगों को सकते में डाल दिया है। गांव के लोग तो किसी तरह से छठ महापर्व की खुशियां मना लेंगे, लेकिन वह 5 परिवार और उसके करीबी रिश्तेदार तो शायद मातम ही मनाएंगे। मौत का कारण बना है चुलाई शराब। घटना बाजपट्टी थाना क्षेत्र के नरहा पंचायत की है। हालांकि बाजपट्टी पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है, लेकिन मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने साफ तौर पर बताया कि सभी 5 लोग बगल के गांव महुआइन से चुलाई शराब पीकर लौटे थे। इसी वजह से बारी बारी से सभी की मौत हो गई है। मरने वालों में सोलमन्नी टोल के दुखरन रॉय के पुत्र राम बाबू राय व सुनील रॉय के पुत्र विक्रम कुमार, नरहा कला निवासी बदामी राय के पुत्र महेश राय, नागेदन राय के पुत्र अवधेश राय, बाबू नरहा गांव निवासी राजी महतो के पुत्र संतोष महतो व सुकेश्वर राय के पुत्र रोशन कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है। रोशन कुमार का इलाज सीतामढ़ी के निजी अस्पताल में चल रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है, ऐसे में अगर कोई शख्स चुलाई दारू बनाकर असमय लोगों को मौत की नींद सुला रहा है तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? सरकार ने शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए पुपरी अनुमंडल मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर मद्य निषेध थानों का निर्माण भी कर दिया है। इसके अलावा LTF की टीम बनाकर जगह जगह कैंप भी करवा रही है। फिर भी अगर शराबबंदी कामयाब नहीं हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के सौदागरों का बेइम्तहा इजाफा हो गया। लोग या तो अंग्रेजी शराब छिपा कर बेचते हैं, फिर नेपाली शराब या फिर चुलाई का दारू बेचते हैं। ऐसे में सामाजिक स्तर पर भी ज़रूरत इस बात की है कि गांव के बुद्धिजीवी गांव में जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी नौजवानों को दे। नशे के गुलाम सबसे ज़्यादातर युवक ही बने हैं। प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, आम नागरिक की भी आज की हालत में एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। अगर सभी लोग यह सोचकर नज़रअंदाज कर देंगे कि हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है तो किसे पता है कि किस परिवार का नौजवान शराब का आदी हो जाएगा, कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। लेकिन देखिए सर, पिए हुआ नहीं है तब तक हुआ कैसे? सरकार बोलता है कि दारू बंद है, कौन बोलता है भोसरी वाला दारू बंद है? कानून तो बहुत कार्रवाई किया है, बताइए कितना दारू कितना परसेंट बिहार में बंद है? कोई भोसरी वाला बोलता है कि हर जगह बॉर्डर पर कड़ाई कर दिया है, किस जगह कड़ाई किया है? अगर कड़ाई किया होता तो आज के डेट में मौत होता, 6 मौत इतना इतना बहुत बिहार में मौत होता है, क्या समझे? तो सरकार इस चीज पर कड़ी से कड़ी कड़ाई किया जाए, क्या समझे? आज के डेट में हमारा चाचू अगर डेट कर गया, हमारे कितना परिवार इतना गुजर चुका है दारू के शराब के चलते, केवल एक ही है सपना कि दारू अगर बंद किया गया है तो पूरा बंद हो जाए, नहीं तो कितना माँ बहन का है, कितना बच्चे का घर उजर चुका है और बर्बाद होगा। ये जो मर है इनका नाम क्या था? इनका महेश यादव। अच्छा, इनके पिताजी का नाम बदामी राय। अच्छा,
पांच लोग मरे हैं कि छह लोग मरे हैं? पांच क्लियर है, पांच क्लियर है। मीटर लगाए हुआ है, लेकिन वही फैल रहा है। गंभीर सब सब मजदूर भी होने लास्ट पोजीशन पे है। हां लास्ट पोजीशन पे है, वो लास्ट है सर। वो तो पैसा के लिए हां अटका हुआ है, सब जान रहा है लास्ट है। अच्छा, ये जो अभी है महेश राय जी, ये आपके कौन है? वो मेरा चाचू है। चाचू है जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णनंदन कुमार, वैसे गांव घर में किशन कुमार जानता है। अच्छा, अब वो जो है दूसरा अवधेश राय? जो अवधेश राय है वो मेरा बाबा लगेगा गांव घर का। अच्छा अच्छा, तो ये लोग पीने कहाँ जाते थे? पीने शराब क्या वो मेरे को पता नहीं, शराब किधर गया पीने। छह आदमी से निकला चार चक्का से, अब शराब पिया के घुमा के क्या किया वो तो मैं देखा नहीं, सब बात नहीं, लेकिन अंदाजा कि शराब पिया होना। नशा लगा था। अच्छा, तो नशे में था वो लोग? हाँ, नशा में था वो लोग। अच्छा, मतलब कि नशा में था पूरा। बच्चा लड़का आपका मरा है, उसका बच्चा कितना है? कितना दिन पहले शादी हुई थी? शादी पांच साल पहले, जम के कौन महीना में मार्च में बचवा जन्म धर लिया। बात बाबू हम बड़ा ऑपरेशन में था, ये कसिंग में बड़ा ऑपरेशन से पुतम का ऑपरेशन दिया, इसमें बचवा ऑपरेशन लिया। और महवाइन चौक पे भी खुलेआम दारू बिक रहा है, असन जो भी कोई ठोस नहीं उठा सकता। उस पर इन्हें की आज छह का मौत आया, समझे भी मासूम छह महीने बाप का नहीं चलेगा, क्योंकि बाद की मेरा बाप था उसके जी सरकारी थाना प्रभारी तो आज छिड़कती बार नहीं गुजरता सर। मैं कुछ कानून आगे चल के घाट हो न रहा, कहीं सर पीछे बिक रहा है और यार पे बिक रहा है क्या समझे। सब गांव आ चुके हैं, सब चुके हैं, में मिला होता है, कमी काम कर लेते हैं। अच्छा समझे सर, इस गांव का हो गया सर जी। जी हमारा नाम हुआ अशोक कुमार। अशोक कुमार कहाँ भैया पद पे है? हम नहीं है सर, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, अच्छा, तो बता आपके कर्फ्यू भीड़ हो गए थे, में पांच की मौत है, इसे क्या कहेंगे? देख लोग रुक जाते हैं, ऐसे लोग जो हमारे पास व्यक्ति खैन गुट का कुछ नहीं है, समाज हमेशा ये देश देते हैं कि ना सॉरी, लेकिन भी दबे छुपे लोग बन रहे हैं, इसका परिणाम उतना है जिस जितना हम लोग बहुत महत्व हैं। और हम ये चाहे हम अपने समाज से हम वासियों सब लोग जुट होके सभा कर सब लोग शपथ ले, आज इनसे कोई व्यक्ति आरोपी और न पीने। ये मेरा देश है, इस यह घटना तनिगो नहीं बड़ी है, इससे हम पंचायत ही नहीं हमारा जिला मरमा है। एक सही, आप सरकार से क्या मांगे? परिवार के इतनी बड़ी क्षति हुई है कि छात्रवृत्ति हर जाना सरकार इसी बार दे परि को दे, हम मांग रहे हैं छह परिवार दे उनके बच्चों के को दे। है कि दारू पे पी पता है पता है वेंडर पकड़ा है फिरता है बेल हो क्या जाए, इस कोई ठिकाना नहीं है, इसके वजह से है लोग समय हमको तो पांच खर्च हुआ माए लाख माए क्या दिक्कत है, गए आए फिर धन शुरू, इसलिए इसको कानून लेनी है, ठोस नीति लेनी है और कड़ी सी कार्रवाई है जो है उसके ऊपर रहता है ऊपर।
गत रात्रि बाजपट्टी गश्ती दल को 12:30 से 1 बजे के बीच में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति जो नाया कला के निवासी हैं उनका इलाज सीतामढ़ी अस्पताल में किया जा रहा है जो दारू का सेवन किए हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए जब यहाँ की पुलिस वहाँ गई तो उनके द्वारा वहाँ पे उन्होंने एक अध्यक्ष राय नामक व्यक्ति की मृत्यु होना पाया जिसका सब अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। फिर गुप्तचर के ऐसे निशानदेही पे और कुछ विशेष सूचना प्राप्त होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय सीतामढ़ी के नेतृत्व में बाजपट्टी पुलिस और अन्य पुलिस बलों के द्वारा नरहा कला गांव और आसपास के गांव में छापेमारी की गई जिसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उनके पास से कुछ सामग्री बरामद किया गया है। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं एसके इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड पूरी बाजार, प्रोप्राइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।